अगर हम स्टंट बाइकिंग की बात करें, मेरा लास्ट ईयर काफी इस पे फोकस रहा कि जो स्टंट करते हैं इन पे थोड़ी सी रोक लगाई जाए। तो इसमें लास्ट ईयर भी जो मेरी कोशिश रही, मल्टी प्रॉन्ग रही। एक तो ये था कि हम जो स्टंट करते थे इनको आइडेंटिफाई करते थे, इनके पेरेंट्स को यहाँ पे लाते थे, और काउंसलिंग भी की इनकी, और जो बुक करना था उनको भी किया। तो साइमल्टेनियसली हमने एक आउटरीच जो हमारा जो यहाँ पे था वो दैट वाज गोइंग टू द स्कूल्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। वहाँ पे जाके हम बच्चों से बात करते थे कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर देम नॉट टू डू इट। तो जो प्रैक्टिकली मैंने देखा कि जो रिपोर्ट्स हमारे पास आते थे या जो हम सोशल मीडिया पे देखते थे, जो काफ़ी सारे स्टंट करते थे और उसके बाद अपलोड करते थे, उसमें काफ़ी कमी आई थी। तो ऑफ लेट मुझे लगता है कि क्योंकि अब स्कूल्स फिर से ओपन अप हो गए हैं, तो जो बच्चों का जो एक्सेस है टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर्स पे फिर से हो गई है। तो जो कल अगर आप देखें जो पुलिस स्टेशन पारिमपोरा ने जो इमीजिएट इस पर एक्शन किया, बहुत अच्छा ये कदम रहा है। इससे क्या है कि एटलीस्ट ये जो गलत करते हैं इनको ये इसे अपना इंडिकेशन मिलनी चाहिए कि अगर ये कुछ ऐसा करेंगे तो इस पे द लॉ इज़ वेरी क्लियर और ये बच नहीं पाएंगे ऐसी चीज़ों से। मेरी गुजारिश बार बार रही है पेरेंट्स से पर्टिकुलरली कि अगर आप ये आपके जो माइनर्स हैं, ये आपके बच्चे हैं, इनको आप खाम खा में एक्सेस जो है टू व्हीलर या फोर व्हीलर की नहीं दें। अगर मजबूरी है कि एक्सेस देनी देनी है तो कंट्रोल्ड इसमें एटमोसफेयर में दें इनको, कि अगर घर से निकलते हैं बी केयरफुल कि हेलमेट पहनी है, डॉक्यूमेंटेशन बाजाबता है, लाइसेंस बाजाबता है। ये जो एंडेवर जो ट्रैफिक पुलिस सिटी ने लास्ट ईयर से हमने इनिशिएट किया, ये तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक आम लोगों की इसमें हमारे साथ पूरी कोऑपरेशन नहीं हो, पर्टिकुलरली पेरेंट्स की। हम हर जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं जब तक पेरेंट्स इस पर्टिकुलर चीज में को रोकने में हमारा थोड़ा सा ना हेल्प नहीं करें, तब तक हम फुल्ली इसको कर्व नहीं कर पाएंगे। ऑफ लेट जब से स्कूल्स ओपन अप हो गए, क्योंकि पहले एग्जाम चल रहे थे, तो हमारा भी अब फोकस इस पर्टिकुलर चीज़ पे रहेगा। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक जो एक कमी थी एक पर्टिकुलर चीज़ की, गैजेट की, दैट वाज स्पीड रडार गन। तो आज की डेट में आपको मैं बता दूं दैट वी हैव रिसीव्ड फ्यू ऑफ देम एंड विल बी यूटिलाइजिंग देम। तो जो ये हाई स्पीड पे लोग चलते हैं या तेज़ रफ्तारी से आगे पीछे चलते हैं, तो उस पे जो है हम रोक लगा पाएंगे। तो हमारे पास ये स्मार्ट कार्स कुछ आई हैं, तो विल बी यूटिलाइजिंग दैम। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि जो श्रीनगर सिटी में मेजर जो एरियाज हैं जहाँ पे नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं, इस पे रोक लगाई जाए। क्या काउंसलिंग वगैरह के बगैर भी मजीद कोई सख्ती के साथ बरती जाएगी? जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि काफी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ था व्हीकल्स का। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस है, इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इन एक्सेस ऑफ 100+ मैंने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस जो है सस्पेंशन के लिए लिखा है। इवन रजिस्ट्रेशन का भी हमने इन एक्सेस ऑफ 130 लिखा है कि सस्पेंशन ऑफ जो है रजिस्ट्रेशन ऑल्सो फॉर ये जो तेज रफ्तारी से जो पब्लिक सर्विस व्हीकल सुमो या टवेरा अगर चलती है, तो उसमें भी मोर देन 100 अभी तक हमने सस्पेंशन के लिए लिखा है। ये इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। बेसिकली आपने देखना है कि ओवरऑल श्रीनगर सिटी में गाड़ियों की जो तादाद काफ़ी सारी है, तो हमारी कोशिश धीरे धीरे रहती है कि हर किसी चीज़ पे फोकस किया जाए। अब क्योंकि स्कूल्स ओपन अप हो गए, तो हमारा इंशाल्लाह इस पर्टिकुलर चीज़ पे काफ़ी फोकस रहेगा। तो कोशिश रहेगी कि जितना कम से कम ये रिपोर्ट हो जाए या हो जाए उतना बेहतर है। सर, आपने सर को बात तो ड्राइव लॉन्च किया सर जी, तो एज पर तो फिगर्स में किस चीज़ पे ज़्यादा आप सर फाइन इम्पोज हुआ है, मतलब विदाउट हेलमेट विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस? देखिए हमारा मेरी जो स्पेसिफिक ड्राइव्स रही हैं उसमें हमारा जो है स्पेसिफिक थ्रस्ट रहा है कि विजिबल ऑफेंसेस, विजिबल ऑफेंसेस में जो हमारा स्पेसिफिक थ्रस्ट रहा है विदाउट हेलमेट जो लोग पहनते हैं, विदाउट सीट बेल्ट जो होते हैं, या अगर आप देखें कि ओवरलोड जो होता है नॉर्मली गाड़ियों में, तो हमारा फोकस इन चीज़ों पर रहता है। और अगर कहीं पे माइनर कोई ड्राइव करता है तो विजिबल ऑफेंसेस पे ही हमारा जो है थ्रस्ट रहा है, और इस साल भी इन्हीं चीज़ों पे थ्रस्ट रहेगा। क्योंकि अगर हम एक पर्टिकुलर ऑफेंस को स्पेसिफिकली ना उस पर फोकस करेंगे तो देखा जाता है कि उस पे जो है कमी आ जाती है, क्योंकि लोग भी अवेयर हो जाते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर हम करेंगे तो पकड़ने का जो चांस बहुत रहता है।
और दूसरी चीज जो अगले कुछ महीनों में हमारी जो एक्टिवेट होनी है वो है ITMS. ITMS में हमारे जो काफी सारे कैमरास इन प्लेस होंगे, तो इसमें ऑटोमेटिक जो है वायलेशन जो है वो डिटेक्ट होती है. इससे भी आप देखेंगे कि काफी कमी आएगी. अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहनी है, सीट बेल्ट नहीं पहना होगा या रेड लाइट जंप करेगा, तो इन ऑफेंसेस में ऑटोमेटिक चालान जनरेशन होगी. तो वंस दिस सिस्टम इज इन प्लेस, आप देखेंगे कि श्रीनगर में बहुत सारे ऐसे जो है एरियाज जहां जहां पे ये कैमरास लगे हैं, तो वायलेशंस ऑटोमेटिकली इसे काम हो सकते हैं. एक वीडियो आपका अभी सोशल मीडिया पे था, यू टेस्टिंग अल्कोहल ड्राइव सोशल जी द ड्राइव कंटिन्यू. इट इज कंटिन्यूइंग, इट इज नॉट दैट कि हमने छोड़ा है. इट इज जस्ट दैट कि सरप्राइजिंगली अब जब हम ये ड्राइव करते हैं तो बहुत कम लोग मिल रहे हैं. ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं. उसके बाद भी कुछ दिन अगर आपने देखा होगा पहले एक दो चार वीडियोस भी इस पर मैं काफी सारे लोग आए थे तो उन्होंने लिए थे. द ड्राइव इज कंटिन्यूस क्योंकि ये जो है अल्कोहल मीटर वो जो हमारे ऑफिसर्स के पास होता है तो वो रैंडमली चेक करते हैं. जस्ट दैट कि नंबर ऑफ जो लोग जो पहले डिटेक्ट हो रहा था आज की डेट में इट हैज कम डाउन. ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, ये हो रहा है. इनकी तो पहले हम जो इनकी जो ड्राइविंग लाइसेंस है उनके सस्पेंशन के लिए हम इमीडिएटली लेते हैं, सो दैट यू नो दे आर नॉट एबल टू ड्राइव. सो इनका तो पहले इनिशियल यही रहता है. और मैंने कहा कि ये इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, कोशिश रहेगी कि इसको कंटिन्यू करें हम.